अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को बताया कि ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, जिसमें हमारा GNM, ANM, MRT आता है और पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज जैसे डी फार्मेसी है, मेडिकल असिस्टेंट है, ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, सारे जितने भी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी मतलब पैरामेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज हैं और GNM, ANM, MRT है, उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स लग रहे हैं और 24 आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। तो इसमें यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि इंट्रेंस इस बार आपका होगा या मेरिट बेस आपकी सिलेक्शन रहने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ कि इसमें आपका इंट्रेंस होगा या आपको मेरिट के बेस पर सिलेक्शन हो जाएगी। अगर मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगी तो वो किस तरह से आपकी होगी, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको समझा दूंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का सिलेक्शन का प्रोसीजर। देखिए, अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लोगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने के बाद ही यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए, और नोटिफिकेशन में भी अगर आप देख लोगे एंट्रेंस की डेट्स भी उसमें वहाँ पे मेंशन की हैं, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप देख लोगे उसमें बाजाबता सिलेबस भी आपका मेंशन किया गया है। तो उसमें आप स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, बोल रहे हैं कि यार अगर इसमें मेरिट के बेस पे होता तो सिलेबस इन्होंने क्यों मेंशन किया। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी ईयर का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ट्वेल्थ बेस डिप्लोमा का देख लोगे, हर ईयर में आपको एंट्रेंस की डेट्स टेंटेटिव मेंशन होंगी या उसमें लिखा होगा नोटिस विल बी नोटिफाइड लेटर, और उसके साथ साथ सिलेबस आपका उसमें डेफिनेटली मेंशन होगा। किसी भी ईयर का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप गूगल से डाउनलोड कर लोगे, हर ईयर के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको उसका सिलेबस मेंशनड होगा, लेकिन उसमें कंडीशन भी एक लिखी होगी। अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लोगे, उसमें कंडीशन भी एक लिखी होगी नोट्स में कि जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो डिपेंड करेगा जेके बोबी तक। अगर वो एंट्रेंस लेते हैं तो ये सिलेबस आपका रहेगा, अगर वो एंट्रेंस नहीं लेते हैं तो आपको ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक, वो उसमें हाईलाइट करके लिखा हुआ, अगर आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ा होगा, हर ईयर की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये लाइन मेंशनड है। चाहे आप 10th बेस डिप्लोमा का देख लो, 12th बेस डिप्लोमा का यहां पे देख लोगे, इवन कि अगर आप बीएससी नर्सिंग का भी देख लोगे उसमें भी वो वहां पे मेंशनड है। अब अगर हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के बारे में बात करें, पिछले सालों के बारे में अगर हम बात करें, प्रीवियस रिकॉर्ड अगर इसके बारे में हम चेक करें, तो आज तक कभी भी जेके बोपी ने, चाहे GNM हमारा हो, ANM हो, MRT हो या पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हो, इनका कभी भी जेके बोपी ने आज तक एंट्रेंस यहां पे कंडक्ट नहीं किया। ठीक, पिछले कई सालों से कोई भी एंट्रेंस इसका कंडक्ट नहीं हुआ हो रहा है। इनकी जो सिलेक्शन जेके बोपी करती है वो ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे करती है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस कंडक्ट करना होता है, कभी कभी बीटेक का भी एंट्रेंस होता है, फिर मास्टर्स कोर्सेज का एंट्रेंस यहाँ पे होता है, फिर इनको नीट की काउंसलिंग वगैरह होती है, तो बहुत सारा ये संभालते हैं। तो ये डिप्लोमा वगैरह जो है कोई बड़ा कोर्स है नहीं, अब डिप्लोमा के लिए भी कहाँ से एंट्रेंस रखेंगे, 2 साल के डिप्लोमा है इनमें, तो बाकी स्टेट्स में अगर आप देख लोगे कॉलेज वाले खुद ही एडमिशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं, यहाँ पे जो बोपी है वही कॉलेजेस को एडमिशन देती है। तो इसलिए अभी तक कभी भी बीएससी नर्सिंग नहीं, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जो है, JNM, ANM, MRT जो है, इनका कभी भी आज तक एंट्रेंस जो है यहाँ पे नहीं कंडक्ट कराया गया। ठीक, अब इस साल की तो हम कह नहीं सकते एंट्रेंस होगा या नहीं होगा, लेकिन 90% चांसेस हैं कि इस बार भी आपका एंट्रेंस इसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर पिछले सालों में उन्होंने कभी एंट्रेंस लिया ही नहीं तो इस बार कहाँ से वो एंट्रेंस आपका कंडक्ट करेंगे। लेकिन तो भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, वो तो भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर लेना, सिलेबस उसका थोड़ा सा है, ज़्यादा उतना बड़ा सिलेबस उसका नहीं है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह है, तो छोटा छोटा सिलेबस आपका उसमें है, थोड़ा सा आप कोशिश कर लेना कि अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, फिर आपको आगे चल के जब सिलेक्शन हो जाएगी फिर उसमें भी आपको काम आ जाएगा, वो जब कुछ पढ़ा होगा वो तो ज़ाया होगा नहीं आपका। लेकिन जहां तक हमारा मानना है, इसका एंट्रेंस नहीं होगा, कभी इसका एंट्रेंस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इस साल कहां से एंट्रेंस होगा। अब आपके साथ उनको तो दुश्मनी कोई है नहीं, वो आपके लिए इस बार एंट्रेंस रखेंगे, अभी तक उन्होंने कभी एंट्रेंस कंडक्ट नहीं किया, तो अभी भी वो एंट्रेंस यहां पे आपका कंडक्ट नहीं करेंगे, वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही आपकी सिलेक्शन करेंगे, चाहे GNM हो, ANM हो, MRT हो, सारे कोर्सेज में आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही यहां पे आपको सिलेक्शन करेंगे। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग करेंगे या बीएससी पैरामेडिकल करेंगे या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स करेंगे, उनको यहां पे एंट्रेंस देना पड़ेगा और उनका सिलेबस और नीट का सिलेबस जो है वो सेम यहां पे रहने वाला है। देखिए, अब यहां पे आपका 12th बेस डिप्लोमा का तो क्लियर हो गया, अब आपको सिलेबस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, वो हर साल के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशनड होता है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप प्रिपरेशन कर लेना थोड़ी सी, ठीक, ऐसा नहीं कि एंट्रेंस में ही वो काम आ जाएगी, वो फिर आपको आगे चल के भी काम आ जाएगी, क्योंकि बोपी वालों तक है, मुझे तो एंट्रेंस आपका कंडक्ट नहीं करना, ये उन तक है, उनकी मर्जी में भी उन्होंने किया, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं आपको, आज तक उन्होंने कभी एंट्रेंस कंडक्ट नहीं किया, तो अब भी वो एंट्रेंस यहां पे कंडक्ट नहीं करेंगे। अब यहां पे आपको क्लियर हो गया कि एंट्रेंस तो नहीं होगा, मार्क्स के बेस पे ही यहां पे आपकी सिलेक्शन होगी। अब अगर आपकी मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन होती है तो किस तरह से यहां पे आपको मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। देखिए, मार्क्स के बेस पे जो सिलेक्शन आपकी होती है वो आपको 12th के मार्क्स को देखे जाते हैं, 12th में आपको कितने मार्क्स हैं, 500 में से, उसी के हिसाब से आपको एक लिस्ट
लिस्ट तैयार कर दी जाती है, जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको ऊपर होता है, देन उसके बाद नीचे 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 जिस हिसाब से मार्क्स होंगे उस हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार कर दी जाती है। तो वो लिस्ट जो होगी, जिसको मेरिट लिस्ट भी हम कहते हैं या रिजल्ट लिस्ट भी हम कहते हैं, वो रिलीज़ कर देगी जेके बोर्ड भी जब करेक्शन विंडो वगैरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो रिलीज़ कर देगी, उसमें आपको अपने रैंक अपने मार्क्स वगैरह चेक करने होंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बोपी वालों ने तो उधर मार्क्स गलत मेरे लिखे हैं, क्योंकि आपने मार्कशीट जो वो डाली होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो अगर उधर मार्क्स आपके गलत हैं तो आप उसको 2-3 दिनों का टाइम आपको दिया जाएगा, उसको क्लेम कर सकते हैं बोपी ऑफिस जाकर। और उसके साथ साथ जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं मतलब एग्जाम दिया रिजल्ट नहीं आया है, उन कैंडिडेट्स को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके लिए फिर विंडो ओपन किया जाएगा मार्कशीट को अपलोड करने के लिए। तो टेंशन लेना नहीं है आपको, आपका अभी जून के पहले वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा 12th का, देन उसके बाद जेके बोपी 2 या 3 दिन तक आपका विंडो ओपन करेगी जिसमें आपको अपनी मार्कशीट जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो टेंशन लेने की कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। तो उसी तरह से आपको 12th के मार्क्स के बेस पे आपको मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी, लिस्ट को रिलीज किया जाएगा, सारे कैंडिडेट्स उसका नाम होगा और उसमें रैंक आपकी होगी, रैंक आपको अपने मार्क्स के बेस पे होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट को 500 में से 500 है, वो पहले रैंक पे होगा, 499 होगा, सेकंड रैंक 498 होगा, थर्ड रैंक, इसी तरह से फॉलो किया जाएगा नीचे नीचे। अब देखिए यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी, अब 20,000-25,000 कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें अगर आप देख लोगे मतलब 10 या 15 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको बराबर सेम सेम मार्क्स होते हैं। अगर आप रिजल्ट भी देख लोगे 30-30, 40-40 कैंडिडेट्स होते हैं जिनका सेम सेम मार्क्स होते हैं, ठीक, 400 में से 500 में से 400 50-60 स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। तो उस कंडीशन में क्या देखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 20 कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स है, 498 कैंडिडेट्स के हैं मार्क्स, तो अब उनमें से किसको पहले नंबर पर रखा जाएगा, ठीक, ये तो सवाल बनता है कि पहले नंबर पर किसको रखा जाएगा। तो उस कंडीशन में देखा जाएगा किस डेट ने सबसे पहले अपना फॉर्म सबमिट किया है, उसी कैंडिडेट को यहां पे पहले रखा जाएगा। नहीं, सबसे पहले उसको उस कंडीशन में मतलब 498 मार्क्स आपको मतलब अगर सेम कंडीशन मतलब सेम मार्क्स हैं तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स के पहले 10th के मार्क्स देखे जाएंगे। जिन कैंडिडेट्स के 10th के मार्क्स ज्यादा होंगे उनको पहले प्रेफरेंस पे रखा जाएगा, और जिनको 10th के मार्क्स कम होंगे उस तरह से रखा जाएगा। नहीं तो वो दूसरा कंडीशन करते हैं, वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, जिस कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन पहले की होगी उसको पहले रखा जाएगा, जिसने उसके बाद की होगी उसके बाद रखा जाएगा, उसी तरह से उन 20 कैंडिडेट्स को किया जाएगा वहां पे। बाकी उसमें ज्यादा कोई मसला है नहीं, वो आप तक नहीं है, वो आपको जो है थोड़ा सा मसला होता है वो बोपी का है, वो खुद उसमें कर लेंगे। लेकिन जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की, जब आपकी फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद फिर से एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिसको काउंसलिंग शेड्यूल हम कहते हैं, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा किस डेट को आपको आना है, किस रैंक से लेकर किस रैंक तक के कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए आना है, वो देखिए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देन जिस हिसाब से आपकी काउंसलिंग वहां पे होगी, 1,000 आपको फी पे करना पड़ेगा, फी पे करने के बाद आपको वहां पे फिर जो है वो एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिलअप करना पड़ेगा, उसमें आपको 5-10 कॉलेजेस का नाम और कोर्सेज का नाम यहां पे डालना पड़ेगा। उसमें मल्टीपल कॉलेजेस मल्टीपल कोर्सेज भी रख सकते हैं, जैसे आप जीएनएम भी रख सकते हैं। अगर जीएनएम और पैरामेडिकल की सेम एक ही दिन काउंसलिंग हुई तो वैसे जीएनएम की अलग काउंसलिंग होती है और पैरामेडिकल की अलग काउंसलिंग होती है, उसमें आपको मर्जी है, आप 2-4 मतलब जितने 4-5 कॉलेज आप रख लीजिए और 1,000 फी पे करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कौन सा कॉलेज मिला, देन सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, फिर कॉलेज में आपको एडमिशन वगैरह जो है वो करना आपको पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेंगे, ये था आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर 12th बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। मुझे लगता है अभी मैंने आपको सारा समझा दिया, लेकिन अगर अभी आपको समझ नहीं आया है तो फिर मैं कभी जब टाइम मिलेगा तो डिटेल वीडियो में आपको 10-15 मिनट का वीडियो बन जाएगा, उसमें मैं डिटेल में आपको सारा प्रोसीजर समझा दूंगा। फिलहाल मैंने समझा दिया आपको, अभी ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मार्क्स के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।